हेलो बच्चों, वो क्वेश्चन में कह रहा है इफ 2x - y + 1 = 0 इज अ टेंजेंट टू द हाइपरबोला x² + a² - y² + 16 = 1, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ऑप्शन ए 4, 1, बी 2a, 4, 1, सी 4, 2, डी 2a, 8, 1। ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सी जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स नहीं है। तो बेसिकली हमको a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, ये जो ए दे रखा है ना, इसकी ए की वैल्यू फाइंड करनी। ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम बता सकते हैं कौन सी राइट एंगल के साइड है और कौन सी नहीं है। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले कुछ की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? की कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर आपके पास इफ वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, ये क्या है, इज टेंजेंट टू हाइपरबोला, टेंजेंट टू हाइपरबोला x² / a² - y² / b² = 1। तो यहां पे जो सी स्क्वायर होता है दैट इज a² m² - b² होता है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, ठीक है? तो ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमको सी भी पता है, एम भी पता है और बी भी पता है। उसके बाद अगर किसी भी ट्राइंगल को चेक करना है कि वो राइट ट्राइंगल है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसमें, उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम चेक करते हैं, मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो ऑटोमेटिकली हमारी हाइपोटेनस होती है, बाकी आप बेस और परपेंडिकुलर दोनों साइड्स को ले लो, ठीक है? तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए दे रखा है सबसे पहले कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपके पास क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपके पास दे रखी है 2x - y + 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 2x + 1। तो ये देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गई, तो यहां से आपके पास c की वैल्यू 1 आ जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी बेटा 2, और आपके पास जो पैराबोला दे रखा है दैट इज x² / a² - y² / b² = 1। तो बी स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, 16 दे रखी है ना, इसको आप 16 कर लो, b की जगह पे 16 कर लो, क्वेश्चन में जो दे रखा है, ठीक है, ये ऑलरेडी आपको 16 दे रखी है, ठीक है? तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, ठीक है? तो फॉर्मूला मैंने आपको शुरुआत में ही क्या बताया था, c² = a² m² - b², ठीक है ना? ये देखो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अब इसी में सारी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है? तो c की वैल्यू देखो यहां से क्या आ गई, 1 आ गई, तो 1 = a² * m² m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, m की वैल्यू आपके पास है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और b स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 16 थी, तो यहाँ पे जो a स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तो देखो यहाँ पे क्या आ रही है, इधर आके 17 हो जाएगा, तो 17/4 दैट हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √17/2, क्योंकि 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2 होता है, ये आपके पास बेसिकली आ गई a की वैल्यू। अब देखिए 1 by 1 हमको सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है a 4 1, है ना? अब हम ऑप्शन ए की बात करें तो दे रखा है a 4 और 1, अब इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखिए जो बेटा a की वैल्यू आपने निकाली वो क्या निकाली थी, √17/2, 4, 1, √17/2 देखेंगे तो समथिंग, अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 के बीच में वैल्यू आएगी, तो मतलब लॉन्गेस्ट साइड आपकी कौन सी है, 4, तो हाइपोटेन्यूस आपकी 4 हो जाएगी, 4² = 17/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 17/4² + 1², ठीक है? तो यहां से आ जाएगा 16 = 17/4 + 1, देखो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, तो ये इट इज नॉट इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम आपकी एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली जो है A जो है वो साइड राइट ट्राइंगल की नहीं है, ठीक है? अब दूसरा चेक करते हैं 2a, 4, 1, ठीक है? अब देखो यहाँ से B चेक कर लेते हैं, B क्या है 2a, 4, 1, तो 2a जब आप देखोगे तो यहां से क्या आ जाएगा √17/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब यहां पे लॉन्गेस्ट साइड देखो कौन सी बन गई, 2a बन गई, तो 17 का स्क्वायर, तो यहां पे देखो क्या करेंगे, √17² = 4 + 1, तो देखो ये क्या हो जाएगा 17 = 16 + 1, तो 17 = 17 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी ऑप्शन है वो राइट ट्रायंगल की साइड है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, ठीक है? तो अब इसी तरह सी चेक कर लेते हैं, सी में देखो क्या दे रखा है, a, 4, 2 दे रखा है, ये तो दे रखा है,
अब अगेन 4 हमारी लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, तो 4 इज इक्वल, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 बाई 4 प्लस 4, तो 16 इज इक्वल टू 17 प्लस 16 बाई 4, तो ये तो कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है कि सी भी हमारी, सी जो है वो राइट ट्राइंगल की साइड नहीं है, क्योंकि हमको देखो निकालना क्या है कि कौन सी जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। अब चलिए डी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जब आप चेक करोगे तो डी पे देखिए क्या आ रहा है, 2a,8,1, तो 2a,8,1, ठीक है। तो 2a जब रखेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 17, ठीक है, 2a और 8 और ये 1, ठीक है। इसमें देखो लॉन्गेस्ट साइड्स कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 8 8 64 इज इक्वल टू 17 प्लस 1, तो ये भी साइड नहीं हो रही है। इट मींस डी भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की साइड नहीं है। तो ऑप्शन आंसर में हम क्या लिख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए सी एंड डी आर नॉट द साइड ऑफ, नॉट द साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, इसकी साइड नहीं है ए सी डी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी एंड डी आर द करेक्ट आंसर।